सवाल दरअसल ये है कि गरबा में व्यवधान है, क्या वारा की पूजा ही यहाँ पे समाधान है? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ राम कुमार पाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। दानिश कुरैशी जी है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि AIIMM के स्पोक पर्सन है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीम नाजिम जी, स्पोक पर्सन पीस पार्टी। आप सबके पास लौटूंगी मैं, चर्चा करेंगे इस पर। पहले रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य विजय। जिस तरीके से लव जिहाद वाले एंगल साथ अब जो एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो साथ हैं इस फैसले के, या वो कह रहे कि नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए था? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो गरबा है इसको लेकर पॉलिटिक्स चरम पर है, बयानबाजी भी हो रही है। और देखिए मैं समय गरबा स्थल पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो भोजपाल गरबा महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है कि गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ के जो आयोजक हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है, इसीलिए इस तरह की अनिवार्यता की है। क्यों ये अनिवार्य किया है और क्यों सनातनी ही आ सकते हैं? बस निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि जो गरबा है वो नृत्य के रूप में माता रानी की आराधना का, उनको खुश करने का, पूजा करने का एक नृत्य है। ये कोई डांस कंपटीशन नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो लोग आस्था रखते हैं भगवान में, जो पूजा में आस्था रखते हैं, वो लोग आकर पूजा करें। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हमारे प्रमाइसेस, क्योंकि हम लोग पहले से रिवील कर चुके हैं, बता चुके हैं कि षड्यंत्रकारी लोग हमसे दूर रहें। हिंदू परिवार के लोग जो पहले से भगवान में आस्था रखते हैं वो आएँ, यहाँ पर आनंद लें, मजे लें, और हम इनके लिए स्वागत करते हैं। आप बताइए क्या षड्यंत्र आपको दिख रहा है जिस वजह से पहचान पत्र की और सिर्फ सनातनी यहाँ पर आएंगे, इसकी पहचान की अनिवार्यता की? इसके दो कारण है। पूर्व में जो आयोजक रहे गरबा के, उन्होंने इसको शुद्ध रूप से मनोरंजन और नृत्य का माहौल बनाया इसको। और दूसरा कारण ये रहा है कि ये हमारा धार्मिक कार्य है, शुद्ध रूप से धार्मिक कार्य है। माँ की आराधना करने का 9 दिन कार्य है, जिसमें हमारी माताएं बहनें माँ को रिझाने का काम करती हैं, माँ को मनाने का काम करती हैं, माँ से आशीर्वाद लेने का काम करती हैं इस नृत्य के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ये गरबा स्थल है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ सनातनी यहाँ पर आए, इसके अलावा प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। और इसी तरह की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे गौमूत्र की बात हो, चाहे भगवान विष्णु के अवतार की बात हो, सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसा षड्यंत्र होता है। इसी के चलते चूंकि गरबा जो है हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें गैर हिंदू लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। तो गरबा में एंट्री को लेके जिस तरीके से यहाँ पे फैसला किया गया आयोजकों की ओर से, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी नाजिम जी। हाजी जी, ये आरोप लगाया दरअसल जा रहा है कि जो गजवाए हिंद बनाने का प्रयास है उसे बचाने के लिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, सहमत है इससे आप? नहीं, देखिए अनामिका जी, इसके जो मामला बन रहा है कि गरबा के अंदर जो कोई भी आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू भाई, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को वहां से बचना चाहिए, गरबा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भाईचारा कायम करना चाहता, वहां जाना भी चाहता, तो वहां पर जिस तरीके का एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंदर यह कहा गया कि देखिए गौमूत्र छिड़काव होगा या गौमूत्र पिलाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुल्क सभी का है, ये हिंदू भाई का भी, मुस्लिम भाई का भी। जो आयोजक है, जो बैनर लगाया गया उसमें कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसको तो बेवजह ही अपने ऊपर ले रहे हैं आप। मैं लौटूंगी आपके पास दानिश कुरैशी जी, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास वापस लौटूंगी सर। दानिश कुरैशी जी, एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो गैर हिंदू लोग जो घुस जाते हैं, बाद में बदसलूकी होती है, खबरें बहुत सारी आती है, पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार बवाल हो जाता है, इससे बचने के लिए कि भाई जो हिंदू जो समाज के लोग हैं वो आस्था के साथ जाए, पहले पूजा पाठ करें, इसके बाद अंदर एंट्री पाए, तो इससे सहमत है आप? आपको दिक्कत अगर कुछ लग रही है तो क्या लग रही है इसमें? देखिए दो चीजें हैं, एक तो आपने जो मुंबई की बात की है, मैं आपको बात बताता हूँ गुजरात की भी। गुजरात सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो सेंटर है वो गुजरात का है, और जहां तक सवाल है मैं आपको बताऊं गुजरात की जहां तक बात है, तो गुजरात का स्टेट स्पॉन्सर गरबा का आयोजन भी होता है, बड़े पैमाने पे होता है, अहमदाबाद में होता है, सूरत में होता है, और बहुत बड़े बड़े शहरों में, तमाम बड़े शहरों में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आयोजन है तो उसमें तो कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, और अगर उनको पाबंदी लगानी है तो मुझे लगता है कि स्टेट को लिख देना चाहिए कि भाई इस तरीके के गरबे का आप आयोजन मत करिए, आप आयोजन करेंगे तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो किसी को रोकने की पाबंदी तो है नहीं, कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर की बात, स्वेच्छा से मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं तो इत्तफाक रखता हूँ इसकी बात से। लेकिन अगर गवर्नमेंटल आयोजन जाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है या कॉर्पोरेट नगर निगम कहीं कर रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी जी जी,
लेकिन बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड्स रहे हैं ऐसे, और इसीलिए इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड रहा है अब तक के जाने का, बवाल होने का भी, लव जिहाद होने का भी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है, कदम उठाना और नहीं उठाना, और जिस तरीके की बात की जा रही है कि जो लोग आयोजक हैं वो ये ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है उससे भी ज्यादा उन्होंने सटीक आयोजन बना रखा है कि एक विशेष प्रकार की मूर्ति आप रखेंगे तो उससे वो बचेंगे, और एक विशेष प्रकार का जो लिक्विड है वो आप पियेंगे तो उससे बचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आधार कार्ड खत्म कर देना चाहिए, बस यही पहचान रह जाएगी कि आप मुसलमान हैं तो आप एक अल्लाह में मानते हैं, तो उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन बना दे। तीसरे अवतार है भगवान बारा, तो उनके बारे में जो थोड़ा सा जो जानकारी मैं दे दूं आपको, चक्रवाल जी मैं आपके पास लौट रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो स्वेच्छा से वो जाना नहीं चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं इससे वो, लेकिन जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, चाहे वो गौमूत्र पीने जैसा हो, चाहे वो महाराज जी की मूर्ति का दर्शन पूजा पाठ करना हो, इससे उनको एतराज है, और वो कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस पे आपकी आपका जवाब। चक्रपाणी जी महाराज, ओ मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए ऐसा है, मैं तो सुन रहा हूँ हाजिन नाजिम को भी और दूसरे हमारे जितने मुस्लिम डिबेटर बैठे हैं भाई, सवाल इस बात का है कि जब होली आता है तो रंग से बचते हैं कि कोई हिंदू अगर रंग डाल दे तो बस देखो बवाल हो जाएगा, दीपावली आ जाता है तो लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करते, दीप नहीं जलाते। सवाल है कि गरबा में क्यों जाते हैं और क्यों नहीं इनकी मुस्लिम जो बड़ी संस्थाएं हैं वो आखिर इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करती है कि भाई वो हिंदुओं का सनातनियों का वो भक्ति का त्योहार है, उसमें मत जाओ, उसमें जाने से आप गैर हो जाओगे, खारिज हो जाओगे इस्लाम से, तो इसकी तो बात करते नहीं, बस जाने की जुगाड़ खोजते रहते हैं। अब जैसे हमारे दूसरे भाई बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जी आप उसमें अगर सरकारी है तो कार्यक्रम उसमें तो मना नहीं कर सकते, यानी आप घुसोगे किसी तरह जाओगे और सिर्फ जाने का उद्देश्य होता है लव जिहाद, वहां हिंदू बेटियों के साथ बहनों के साथ आप देख लो पिछले काफी समय से ऐसे मामले आ रहे हैं कि एक नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में जाते हैं नाम बदल के गुड्डू राजू, और उसके बाद हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है वो रिश्ते में आकर के और उनके जीवन बर्बाद करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो गर्भा में आया, हिंदू था ही नहीं, वो तो कुछ और था, और उसको फ्रिज में पाया जाता है। सवाल यह है कि भाईचारा, सुनो हाजी साहब बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो, याद ना करो, मूल विषय ये है कि हम जो है भाईचारे में भाईचारा करते रहे, आप चारा की तरह हिंदू को चबाते रहो, ये अब नहीं चलने पाएगा। चकबड़ाई महाराज, आप इस बात को समझो।